हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, हम आज बात कर रहे हैं सबसे पहले केमिकल्स इन फूड, एंड सेकंड टॉपिक है आज का क्लिंजिंग एजेंट्स, जिसको हम दोस्तों सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं, दैट इज सर्फेक्टेंट। तो आप नोट डाउन करते रहिएगा जो मैं बातें कर रहा हूं अभी। आपको अपना एक कॉपी लेके बैठना है और पेन लेके बैठना है, और जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहना है, और जो भी मैटर आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो उसके अच्छे क्लास नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप इजीली, बढ़िया प्रेजेंटेशन है मेरा तो आपको याद तो यहाँ पे ही हो जाएगा, अंडरस्टैंड तो यहाँ पे ही हो जाएगा, बट उसको लर्न करने के लिए बार बार आपको पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा 5 to 6 times, तो एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर भी हो जाएगा और फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हम आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं केमिकल्स इन फूड। सो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका JS Army में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया पहले ही आपको, आज हम बात कर रहे हैं केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स आर एडेड टू फूड। क्यों ऐड करते हैं केमिकल्स को फूड के अंदर, हम केमिकल्स को क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज हम फूड को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, है ना। देखो कोई भी चीज़ें हैं, है ना, कोई भी फूड है उसके अंदर एक्सपायरी डेट रहता है। एक्सपायरी डेट का मतलब उसके बाद वो प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है ये। एक्सपायरी डेट के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स डाले थे, बट उस डेट के बाद, है ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपने जो प्रिजर्वेटिव डाला था उसका अफेक्ट अब रहेगा ही नहीं, नलीफाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। एनहांसिंग देयर अपील, अपील का मतलब दोस्तों यहाँ पे कलर ऐड करते हैं, है ना। जैसे कि हम मिठाई की दुकान में जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि अलग अलग कलर की हमें मिठाई दिखती है, तो कलर से हम अट्रैक्ट होते हैं। एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करते हैं उसके अंदर, है ना। और उसके मेन जो कैटेगरीज हैं दे आर फूड प्रिजर्वेटिव। कलरेंट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया फूड कलर्स, फ्लेवर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन का जो अफेक्ट है वो प्रिवेंट करने के लिए, आर्टिफिशियल स्वेटनर्स वगैरह वगैरह। सो केमिकल्स इन फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रिजर्वेटिव। सी अगर एप्पल जो है आपके सामने, स्क्रीन के सामने, अगर प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करेंगे तो देखो आप एप्पल जल्दी बिगड़ जाएगा, है ना। जो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसके अंदर इतना जल्दी होगा कि समझ लो 4-5 दिन में तो ख़त्म। अब एप्पल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बट विथ प्रिजर्वेटिव आप देखो, है ना, उसका कलर देखो, उसका अपील देखो, कौन सा एप्पल आपको आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा एप्पल देखने में आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, ऑब्वियसली एप्पल विद प्रिजर्वेटिव, है ना। तो यही बात है, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव हो गए। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, है ना, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जो हैं, स्वीटनिंग एजेंट का मतलब है जैसे सुक्रोज हमारी बॉडी में जाएगा दोस्तों, शुगर जो है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, और उसकी जगह अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट अगर यूज़ करते हैं दोस्तों तो वो स्टोर नहीं होता, यूरिन से एक्सक्रिएटेड हो जाता है, वो यूरिन से अनचेंज होके बाहर आ जाता है, है ना। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। देन एंटीऑक्सीडेंट, ऑब्वियसली जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजेस हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड करा जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जो अफेक्ट है वो एकदम स्लो हो जाए या नलीफाई हो जाए, तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट अपने यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, डू यू नो सम स्वीटनर्स? कैन शुगर, ओके, स्वीटनर, ग्लूकोज, यस, शुगर इन अ फॉर्म ऑफ शुगर, माल्टोज, सी फ्रुक्टोज, है ना,
हनी के अंदर जो है फ्रुक्टोज होता है। चलिए दोस्तों, बिसाइड्स स्वीटनेस दे प्रोवाइड हाई रेंज ऑफ कैलोरीज, है ना। और इस मैंने बोला ना पहले, ये कैन शुगर, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ये क्या करता है, स्वीटनेस तो है इनके अंदर, स्वीट तो है ये, बट द थिंग इज फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। टू रिड्यूस हाई रेंज ऑफ कैलोरीज विच कॉजेज फैट नाउ अ डेज डायबिटिक पेशेंट आर यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अल्टरनेटिव टू नेचुरल स्वीटनर्स, नेचर में जो स्वीट चीजें हैं, ग्लूकोज है, हनी है ना, ये सब नेचर में अवेलेबल है, तो ये नेचुरल स्वीटनर है, बट ये कैलोरी क्या करते हैं, कैलोरी हमारे बॉडी में इंक्रीज करते हैं। सो वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। वाई? बिकॉज दे आर स्वीट टू टेस्ट बट विथ लो कैलोरीज। दोस्तों हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि हमारे बॉडी में ना वो जो नेचुरल स्वीटनर्स है ना, वो फैट क्या करते हैं, फैट के फॉर्म में वो स्टोर हो जाते हैं, है ना, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, केमिकल्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या हैं, मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं दोस्तों। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या हैं, मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं, आप देखते रहिए। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दोस्तों हमने देख लिया है। चलिए, ये सब बातें मैंने आपको कर दी है। सो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्यों यूज करते हैं, मैंने बताया आपको। केमिकल्स विच डो नॉट अकर इन नेचर बट आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब, दैट इज लेबोरेटरी, हैव स्वीट टेस्ट बट दे हैव नो फूड वैल्यू, मीन्स वो स्टोर नहीं होते, सो दे आर नोन एज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सैक्करीन, ये रहा सैक्करीन आपके सामने। ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड इज कॉल्ड एज सैक्करीन, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ऑर्थो सल्फो बेंज एमाइड सैक्करीन C7H5SNO3। इट इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इट इज अबाउट 550 टाइम्स एज स्वीट एज कैन शुगर। ये सब बातें आपको लिखनी है, याद करनी है। इट इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विथ यूरिन, यूरिन के साथ ही बाहर आ जाएगा, तो स्टोर नहीं हो रहा ये, तो फैट के फॉर्म में जमा नहीं हो रहा है ना, सैक्करीन। चलो, यूजेस क्या है, मेडिसिन में यूज होता है, स्वीट होती है ना मेडिसिन दोस्तों, हाँ अब सोचो मेडिसिन स्वीट है और हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, माय गॉड, तो फिर तो क्या बात होगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सैक्करीन यूज होता है मेडिसिन में। टूथपेस्ट में स्वीट टेस्ट होता है ऑब्वियसली, है ना, यस। लो कैलोरीफिक स्वीट्स, जिसके अंदर लो कैलोरी है ना, वो सब स्वीट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, यस। कूल ड्रिंक्स, यस। चलो, सेकेंड जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, दैट इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपको लग रहा होगा बड़ा भयंकर स्ट्रक्चर है, बट वैसे आप देखने जाओ तो अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है और एट द एंड ईस्टर ग्रुप है यहाँ पे। एस्पार्टेम C14H18N2O5, ये देखो आप, ये जो यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ पोर्शन है दोस्तों, ठीक है, ये एस्पार्टिक एसिड आप देख सकते हो, C OH CH2, देखो ये है C OH, ये है C OH, दिस इज CH2, ये रहा देखो आप CH NH2 COOH CH, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आगे आप पार्ट देख रहे हो वो फिनाइल एलानाइन है, क्या है ये, फिनाइल एलानाइन, कितना पार्ट है फिनाइल एलानाइन, मैं बताता हूँ, बेंजीन CH2 CH NH2 COOH, देखो ये रहा, है ना, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फिनाइल एलानाइन का मतलब NH2 CH COOH CH2 PH, दिस इज फिनाइल एलानाइन, ये यही स्ट्रक्चर है, देखो आप अच्छे से, ठीक है दोस्तों, इज दैट क्लियर,
आई होप अगर कुछ आपको समझना होगा तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानाइन, इससे बना क्या? एस्पार्टम। एग्जैक्टली। चलिए तो ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मिथाइल इस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड वी नो फिनाइल एलानाइन। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज कैन शुगर। इतने पॉइंट्स दोस्तों याद करने हैं। यूज कहाँ होता है ये? इट्स यूज इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे दोस्तों ये अनस्टेबल है। चलो MCQs। विच अमंग द फॉलोइंग इज नेम्ड एज ऑर्थो सल्फोबेंज अमाइड? अमाइड और एमाइड क्या होना चाहिए यहां पे दोस्तों? कम ऑन, यहां पे क्या होना चाहिए? एमाइड है ना, तो वो है, क्या है वो? यस, इट इज सैक्करीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज 100 टाइम्स स्वीटनर देन कैन शुगर? इट इज क्या पढ़ा दोस्तों अभी हमने? यस, एस्पार्टम। एस्पार्टम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स? कौन से अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, आंसर बी जो है, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानाइन। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिटेम एंड सुक्रोलोज जो और आर्टिफिशियल दो स्वीटनिंग एजेंट है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। एलिटेम, एलिटेम का फॉर्मूला है C14H25N3O4S। देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर प्रकट हो गया है, दर्शन कर लीजिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर का। ये स्ट्रक्चर एलिटेम का है, समझ आ गया होगा दोस्तों आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो, इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टम। इट इज हाई पोटेंट स्वीटनर। इट इज 2000 टाइम्स स्वीटनर देन शुगर। माई गॉड, इट इज 2000 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर। एंड सुक्रोलोज स्ट्रक्चर C12H19Cl3O8, ये इसका फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर देखो आपके सामने प्रकट हो गया दोस्तों, दर्शन कर लो स्ट्रक्चर का क्योंकि दर्शन ही करने हैं, इनके पांव नहीं पड़ने हैं बेटा, हमें हाथ जोड़ दो इसके आगे, हमें इसको याद नहीं करना है बेटा। चलिए दोस्तों देखो ये कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, इसीलिए सुक्रोलोज को कुकिंग टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको। इट इज़ ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर ट्राईक्लोरो मतलब सुक्रोज का क्लोरिनेशन करना पड़ेगा 3 times, ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव। इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज ऑब्वियसली। इट इज 600 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर। क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स? क्यों जरूरत है दोस्तों हमें? नेचुरल स्वीटनर जो होते हैं सुक्रोलोज बहुत सारे, दे प्रोवाइड कैलोरीज टू द बॉडी, सो वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। टेकिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज इज हार्मफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर यूज फर्स्ट टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर फॉर डायबिटिक्स। MCQs, which of the following are natural sweeteners? Which of the following are natural sweeteners? Sucralose, BHT, butylated hydroxytoluene, maltose, none of this. कौन सा natural sweetener है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था, yes, it is maltose. Which of the following chemicals are used as artificial sweeteners? Saccharin, एस्पार्टम, एलिटेम, ऑल ऑफ दिस। आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है यहां पे? यस, ऑल ऑफ दिस। नाउ दोस्तों हम पढ़ रहे हैं केमिकल्स इन फूड के अंदर, दूसरा कैटेगरी जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव इज अ सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू फूड इज कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग, रिटार्डिंग और अरेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एसिडिफिकेशन और अदर डीकंपोजिशन ऑफ फूड बाय ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सॉल्ट है ना, ये जनरल टेबल सॉल्ट जनरल प्रिजर्वेटिव है ये।
कोल्ड कंडीशंस जो हैं, ठीक है, ये भी एक प्रिजर्वेशन हुआ। हॉट कंडीशन, इसमें भी चीजों को हम प्रिजर्व करते हैं। तो ये जनरल रेमेडी मैंने बता दिया कि टेबल सॉल्ट जो है, वैसे शुगर भी है, कोल्ड एकदम मतलब एकदम टेम्परेचर डाउन कर दो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दो, तो इसमें फूड हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एडिशन ऑफ अदर केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट, सी दोस्तों, सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर बेंजीन सी डबल ओ एन ए, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड स्ट्रक्चर दोस्तों आपके सामने यहां पे प्रकट हो गया है, आप देख लीजिए अच्छे से। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, है ना, सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड तो हमें पता ही है, 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, उसमें सॉल्ट मतलब एच हटा के एन ए लिखना है, सोडियम प्रोपेनॉइड। चलिए एमसीक्यूज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इनहिबिटेड बाय प्रिजर्वेटिव, फर्मेंटेशन, एसिडिफिकेशन, ए एंड बी, इधर ई ए और इधर बी, यू नो दैट बोथ फर्मेंटेशन एंड एसिडिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, विनेगर इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, शुगर इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, और ऑल ऑफ दिस, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस मैंने पहले ही बोला दोस्तों, विनेगर यूज होता है, वी नो दैट, शुगर मैंने बताया, टेबल सॉल्ट मैंने बताया, सोडियम बेंजोएट भी हमने अभी पढ़ा। नाउ एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू फूड रिटार्ड और प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव डिटेरियोरेशन ऑफ फूड, डिटेरियोरेशन ऑफ फूड, है ना। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन जो है ना, ऑक्सीडेशन मैंने पहले ही बोला था, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन का जो अफेक्ट है ना उसको कम करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो कर देगा, क्योंकि जितना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा उतना फूड जल्दी क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा ना, जो भी फूड के अंदर स्पॉइलेज होता है वो जल्दी जल्दी फास्ट ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों यहां पे यूज करना है, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर भी, यहां पे वेजेस के अंदर यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं यहां पे, एंड दे रिएक्ट विद एंटीऑक्सीडेंट, रिजल्ट्स स्टॉप फर्दर ऑक्सीडेशन, समझ आया दोस्तों आपको, है ना, एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह से जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिविन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिविन, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, देखो आपके सामने हाइड्रोक्सी टॉलिविन, हाइड्रोक्सी टॉलिविन, और ब्यूटाइलेटेड का मतलब देखो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, हाँ अगर हम OH फिनॉल कंसिडर करें OH को, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो सेकेंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे है यहाँ पे, तो फैट प्लस ऑक्सीजन है इसके अंदर, है ना, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, है ना, प्लस BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिविन, दैट इज BHT रेडिकल बनेगा यहाँ पे, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिविन रेडिकल फॉर्म होगा। BHT रेडिकल डज नॉट रिएक्ट फर्दर विद मॉलिक्यूल ऑफ फैट, और फिर वो फैट के साथ रिएक्ट नहीं करता ताकि वो आगे ऑक्सीडेशन उसका प्रिवेंट, दस द चेन रिएक्शन स्टॉप, ये चेन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, समझ आया दोस्तों, है ना, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ऑफ फैट्स, यूजेस प्रिवेंट्स, हाँ सॉरी, प्रिजर्व्स फूड कलर ऑर्डर एंड फ्लेवर, फूड प्रिजर्वेटिव क्या करता है, अरे सॉरी एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अफेक्ट हमें कम करना है तो क्या करता है वो, फूड ऑर्डर जो है, कलर जो है वो, फ्लेवर है ना, उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है। चलिए दोस्तों एग्जांपल BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिविन तो था, यहाँ पे BHA लिखना है हमें, क्या लिखना है, BHA, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब दोस्तों यहाँ पे करना है एनिसोल, देखो एनिसोल का मतलब OCl3 बेंजीन के ऊपर C11H16O, BHA इज जनरली
यहाँ पे आप याद रखोगे दोस्तों ए है, BHA इज जनरली यूज्ड टू प्रिजर्व सॉल्ट फैट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड. BHA इज फाउंड इन बटर मीट्स, सीरियल्स, च्युइंगम, बैक्ड फूड्स, बियर, डिहाइड्रेटेड पोटैटोज, रबर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. MCQs देखते हैं. विच आर द फॉलोइंग रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल्स, कौन रिएक्ट करता है फ्री रेडिकल से, कम ऑन हियर. NC. तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा. इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर, केमिकल्स इन फूड, और क्लिंजिंग एजेंट जो है दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद तुरंत मैं अपलोड करने वाला हूँ. तो क्लिंजिंग एजेंट सर्फेक्टेंट, दैट इज सरफेस एक्टिव एजेंट, वो उसके अंदर आपको पढ़ना है अच्छे से. तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर से आपको करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको यूज़फुल रहा या नहीं रहा, या फिर आपको क्या लग रहा है हमें क्या इसके अंदर और अपडेट करना चाहिए. तो दोस्तों ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से आपको प्रेस करना है ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और अच्छे से आप स्टडी कर सको. थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू सो मच.